नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक और महाराष्ट्र के आज दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने दो राज्यों में तकरीबन बता दें कि 39,600 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी कर्नाटक में सिंचाई, पीने के पानी और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी मुंबई जाएंगे और जहां कई विकास पहलों पर उद्घाटन वे करते नजर आएंगे और लोकार्पण भी और शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी मुंबई मेट्रो के दो लाइनों का उद्घाटन करेंगे। वह राष्ट्र में लगभग 12,600 करोड़ रुपए के मुंबई मेट्रो रेल लाइन 2A और 7 समर्पित करेंगे। साथ ही मेट्रो की सवारी भी करते नजर आएंगे। साथ ही पीएम मोदी मोबाइल ऐप और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की भी शुरुआत करेंगे। यह मोबाइल ऐप यात्रा को सुखद बनाएगा। वहीं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का प्रयोग मेट्रो कॉरिडोर में किया जा सकेगा। वहीं सीवेज शोधन संयंत्र पीएम मोदी लगभग 17,200 करोड़ रुपए की लगातार बता दें कि लागत से बनने वाले 7 सीवेज शोधन संयंत्रों का भी शिलान्यास करते नजर आएंगे। यह सीवेज शोधन संयंत्र मलाड, भावूप, सर्वोपा, घाट, कोपर, बांद्रा, धावरी और साथ ही वली में स्थापित किए जाएंगे, जिसमें संयुक्त क्षमता लगभग 2,460 MLD होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंचे हैं। यहां पर जेपी नड्डा ने नदियों जिलों का बता दी कि नदिया जिलों का जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और साथ ही बीजेपी अध्यक्ष नड्डा सबसे पहले सुबह मायानपुर स्थित स्कॉन मंदिर में पूजा पाठ करेंगे। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल बढ़ने के बाद उनका यह पहला दौरा होगा, जहां पर कुछ ही समय में पश्चात पंचायत चुनाव होने हैं और इसके बाद ही वे दोपहर को जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। इस दौरान वे बीजेपी के कई संगठनों के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि बंगाल में आगामी महीने में ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं। इसके अलावा अगले साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं। इसको देखते हुए नड्डा का बंगाल दौरा तय हुआ है। जेपी नड्डा का भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल बता दें कि 2024 तक बढ़ा दिया गया है और इस दौरान मंगलवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी में यहां बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है और साथ ही नड्डा के विस्तार का प्रस्ताव केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा रखा गया है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य द्वारा सर्वसम्मानित से इस पर सहमति व्यक्त की गई है। वही बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया है। वही उद्घाटन के समय सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खो खो प्रतियोगिता को देखने के साथ सियासी प्रधानमंत्री ने इस दौरान खेल कुंभ में आए खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाते नजर आए हैं। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि बस्ती के गुरु वरिष्ठ की तपों की भूमि है, खेल एक तपस्या है। खेलो इंडिया अभियान के तहत सरकार खिलाड़ियों को भी अधिक आर्थिक मदद दे रही है, जिससे ग्रामीण इलाकों में खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके। अब तक 2500 खिलाड़ियों ने 50,000 महीना आर्थिक मदद दी जा रही है। साथ ही बता दें कि पहले खेल को पढ़ाई का हिस्सा नहीं माना जाता था, लेकिन छात्रों के परिवार भी इसको अच्छा नहीं मानते थे। इस मानसिकता से देश को बहुत ही नुकसान हुआ है। बड़ी संख्या में खेल प्रतिभाएं अपनी प्रतिभा दिखाने से वंचित रह गई है, लेकिन सरकार के अथक प्रयास से पिछले 8 सालों में खेल को सामाजिक प्रतिष्ठा मिलने लगी है। इसके लिए आज भारत खेल के मैदान में नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत ने ओलंपिक में अब तक के सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। यह तो अभी शुरुआत है, बता दें कि यह तो अभी शुरुआत है। मात्र सांसद खेल महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाने का मौका है। बस्ती सांसद खेल महाकुंभ में 40,000 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग करेंगे। इसलिए ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतियोगिता कराकर खिलाड़ियों का चयन किया गया है। पिछले 8 वर्षों में पूरे देश ने
और पूरी दुनिया ने एक नए भारत का दर्शन किया है। बदलते हुए भारत ने दुनिया के सामने हर एक क्षेत्र में अपनी ताकत का एहसास कराया है और आज दुनिया भी इस बात को मानती है। इस नए परिपेक्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अब दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता अर्जित कर चुका है। दुनिया के 20 बड़े देशों G20 की अध्यक्षता भारत को प्राप्त होना उसी नई श्रृंखला का हिस्सा है। नगर पालिका परिषद कासगंज में हो रही अनियमितताओं को लेकर आज पालिका कर्मचारी और सफाई कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। धरना के बाद से कर्मचारियों ने 7 सूत्री ज्ञापन SDM सदर को सौंप दिया है। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि शासन द्वारा आदेश के बावजूद भी सर्दी के मौसम में सफाई कर्मचारियों को गर्म वर्दी नहीं दी गई है। साथ ही बीते नवंबर और दिसंबर महीने का सभी स्थानीय बता दें कि स्थायी सफाई कर्मचारियों का वेतन और 2017 से 2022 तक का एडियल और साथ ही बोनस नहीं दिया गया है जैसे अन्य मांग रही है। वही स्थानीय निकाय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष सोन भंडारी ने बताया है कि ज्ञापन के जरिए नगर पालिका प्रशासन के 48 घंटे का समय दिया गया है। अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने को मजबूर होंगे। हमने धरना प्रदर्शन किया, किस संबंध में किया, कैसे किया? आज हमने धरना प्रदर्शन किया है कि हमारे लोगों की, हमारे कर्मचारियों की जो वेतन है वो पिछले 2 महीने से नहीं मिला, उसमें से अब हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। जो भी भुगतान है वो हमारे होने चाहिए। इससे पहले आपने किसी से शिकायत की थी? इससे पहले हम कई मरतबा अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दे चुके हैं और हमने DM साहब को ज्ञापन दिया था अभी 13/1/2023 को दिया था और आज हम फिर ये ज्ञापन हमने जो करे हैं वो हम श्रीमान ADM साहब और अधिशासी अधिकारी और ADM और DM साहब को देने जा रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मांगनी है तो आगे क्या करवे? हमने इसमें 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, टाइम दिया है। अगर 48 घंटे के अंदर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो नगर पालिका पर वही सिद्धार्थनगर जिले के डमरियागंज थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर हुई बैटरी चोरी की घटनाओं का डमरियागंज पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें कि इस दौरान थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर बैटरी चोर गैंग ने बैटरी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत बता दें कि थाना क्षेत्र और अलग अलग थाने क्षेत्रों में हुई थी। इस घटना को लेकर पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि डमरियागंज थाना क्षेत्र के राप्ती नदी पुल में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास 7 बैटरी और एक बता दें कि ऑल्ट्रो कार बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपियों को कबूल किया है कि हमारे द्वारा ही इन चोरियों को अंजाम दिया गया है। पुलिस का कहना है कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ कर यह खुलासा हुआ है और साथ ही इससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम के CO डमरियागंज द्वारा 500 रुपये नकद देकर सम्मानित भी किया गया है। हाँ सर, डुमरियागंज पुलिस द्वारा कुछ बैटरी चोरों को बैटरी और वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया। कब गिरफ्तार किया गया, इनका क्या आपराधिक इतिहास है पहले से? देखें, आए दिन बैटरी चोरी की सुविधा डुमरियागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मिल रही थी। 17/18 की रात को कुछ टीम गठित की गई थी, 2-3 सिपाहियों की, दीवान की, जिसमें इन लोगों ने अच्छी सफलता हासिल करते हुए एक बैटरी चोर जो अग्रहरी होटल के सामने बैटरी खोल करके बेवा चौराहे पर बैटरी खोल रहा था, वहाँ इन लोगों ने गए, दबिश दिए, दबिश में गाड़ी में बैटरी लगी हुई थी, वो लोग लेकर भाग गए और जो बैटरी खोल रहा था वो भी भाग गया। बाद में इन लोगों का पीछा करते हुए दिनांक 18 को 3 लोगों के पुलिस के द्वारा फर्जी बेनामा करने वाले 3 जालसाज को गिरफ्तार किया गया है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के SP सिटी अभिन्यु मांगलिक ने इस मामले को लेकर खुलासा किया है और थाना कोतवाली देहांत पुलिस द्वारा फर्जी बेनामा कराने वाले 3 जालसाज अरविंद गौतम,
गोवर्धन और साथ ही श्रवण को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया है कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त गण शातिर किस्म के अपराधी है, जो जमीनों को चिन्हित कर उन्हें इसके स्वामियों से फर्जी कागजात तैयार करके फर्जी बेनामी करते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक फर्जी बता दें कि इकरारनामा, रसीद और फर्जी पासबुक और एक फर्जी पैन कार्ड, फर्जी आधार कार्ड और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। और बता दें कि सहारनपुर का ये पूरा मामला, जहां पर तीन जालसाज को गिरफ्तार किया गया है, इनके पास से तमाम चीज़ें बरामद की गई है पुलिस ने, और काफ़ी दिनों से पुलिस इन तीनों की खोजबीन में थी, जिसके बाद से अब इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से बता दें कि एक फर्जी इकरारनामा और फर्जी पासबुक सहित मोटरसाइकिल और तमाम चीज़ें बरामद की गई है। वही अब खबर बहराइच से है, जहां पर बता दें कि कतियाना घाट वन क्षेत्र के कारीकोट मंदिर में प्रवचन सुनकर दोस्तों के साथ घर लौट रहे 60 वर्षीय ग्रामीण को मंगलवार देर रात को जंगली हाथियों ने झुंड ने घेर लिया, और इस दौरान सुर से पटक पटक कर अधमरा करके बाद हाथियों ने उसे पैर से रौंद कर मार डाला। इस मामले को लेकर पुलिस अब मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। शव को कब्जा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और साथ ही वन विभाग भी जिस से हाथियों ने उत्पात मचाया है, हाथियों का आतंक देखते हुए अब इस मामले को लेकर वन विभाग क्या कुछ कार्रवाई करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये तस्वीर आप देख रहे थे, जहां पर किस तरीके से हाथियों ने उत्पात मचाया है और एक व्यक्ति की इस दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद से अब इस मामले को लेकर ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। झांसी की खबर आपको बता दें, जहां पर एनजीटी के आदेशों पर ऐतिहासिक धरोहर लक्ष्मीताल को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए आज दोबारा पहुंचा, और साथ ही बता दें कि जिला प्रशासन को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इस विरोध के चलते प्रजा बता दें कि यहाँ पर प्रशासन ने कोई सख्ती नहीं दिखाई और बिना कार्रवाई किए ही बता दें कि फोटो सेशन प्रक्रिया पूरा होने तक चलता रहा। दरअसल झांसी महानगर का ऐतिहासिक लक्ष्मीताल की कई एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा हो गया है। भूमाफियाओं की बड़ी बड़ी कॉलोनियां और आवास बनाकर बेचकर अपना खजाना भर रहे हैं। वहीं लक्ष्मीताल को इस अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए और साथ ही सौंदर्यकरण के लिए एनजीटी के रिट दायर की गई है, और साथ ही जिसकी सुनवाई के बाद से 15 दिन पूर्व एनजीटी के आदेश पर जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और पुलिस बल अतिक्रमण आने वाले मंदिरों और मस्जिदों को हटाने के लिए पहुंचा था, और इस दौरान धमों को सैकड़ों लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस विरोध प्रदर्शन के बाद से प्रशासन खाली हाथ लौट गया है, और आज फिर एनजीटी के आदेशों का पालन करते हुए जेसीबी मशीन और भारी भरकम पुलिस बल मौके पर पहुंची, और जिसे देखकर मंदिर और मस्जिद पद के दोनों धर्म के सैकड़ों लोग आ गए और सभी ने जमकर इसका विरोध किया। इधर विरोध करने वालों की मांग थी कि पहले अवैध कॉलोनी और आवास हटाए जाए, उसके बाद ही यहां पर कार्रवाई हो। प्रशासन ने इस विरोध को देखते हुए कोई सख्ती नहीं अपनाई है, बस जेसीबी मशीन को खड़ा किया और फोटो सेशन वहां पर हुआ है। वहीं कई लोग वहां जेसीबी के आगे लेटते हुए नजर आए हैं, इसके बाद टीम वापस वहां खाली हाथ ही लौटना पड़ा। वही फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां देर रात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एटा चौराहे के पास घेराबंदी कर तीन गौ तस्करों को दबोच लिया है। वही पुलिस ने एक कैंटर में भरी 13 गायों को बरामद किया है। मामले का खुलासा करने के बाद से पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिरोजाबाद पुलिस ने गिरफ्त में खड़े तीन व्यक्ति शातिर किस्म के अपराधी है। देर रात थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के एटा चौराहे पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर द्वारा तस्करों के बारे में सूचना प्राप्त हुई, और कैंटर में आते ही देख पुलिस ने उन्हें रुकवाने का प्रयास किया, तभी कैंटर में सवार तीनों व्यक्ति भाग खड़े हुए। पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक कैंटर को अभी पकड़ा है, और जिसके बाद से उक्त अभियुक्त 13 गौवंशों को मुरादाबाद ले जा रहे थे। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों के कब्जे से 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस भी बरामद हुई है। एसपी देहांत रणविजय सिंह ने आज मामले का खुलासा करते हुए पकड़े गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है, और बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। देखिए, इंस्पेक्टर शिकोहाबाद को कल सूचना मिली थी कि एक ट्रक में कुछ गोवंश लेकर के कुछ तस्कर जा रहे हैं। इस सूचना पर हमारी पूरी टीम यहाँ पे जो एटा चौराहा है वहाँ पे एफसीए गुड़गांव के पास
इस ट्रक की घेराबंदी की। उसमें कुछ लोग थे, उनको हम लोगों ने तत्काल चारों तरफ से दौड़ा करके पकड़ने का प्रयास किया। 3 लोग अरेस्ट हुए उसमें, और जब ट्रक की तलाशी ली गई उसमें 13 गोवंश पाए गए। और उसके बाद इन लोगों से पूछताछ में पता चला कि ये विभिन्न जगहों से इन गोवंशों को इन लोगों ने उठाया है, उसके बाद इसको ला करके वहाँ पर इसकी तस्करी करके और इसको वहाँ मुरादाबाद की तरफ ले जाएंगे। वहीं बता दें पुलिस ने इस दौरान घेराबंदी करते हुए 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है, उनके पास से 13 गायों को बरामद कर लिया गया है। मामला के खुलासे करते हुए पुलिस ने इस मामले की जानकारी दी है। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिरोजाबाद पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीनों व्यक्ति शातिर किस्म के अपराधी बताए जा रहे हैं, और इन्हें बता दें कि शिकोहाबाद क्षेत्र के आटा चौराहे से पुलिस चेकिंग के अभियान के दौरान यहां इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से गौवंश भी बरामद हुए हैं, और साथ ही बता दें कि ये जो तीनों मुखबिर थे ये गौ तस्करी करते थे, और सूचना प्राप्त होते ही बता दें कि इस दौरान पुलिस ने कैंटर को रुकवाया और इस दौरान जितने गौ तस्कर थे तीनों गौ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही बता दें कि इस दौरान वहां पे जितने भी गौवंश थे उन्हें भी अपने कब्जे में लेते हुए पुलिस नजर आई। साथ ही बता दें कि काफ़ी मशक्कत के बाद इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस नजर आई है। इस दौरान 13 गौवंश को मुरादाबाद ले जाया जा रहा था, उन्हें भी पकड़ा गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 2 तमंचों के साथ ही 4 जिंदा कारतूस सहित तमाम चीज़ें बरामद हुई है। वही बता दें कि SP ने इस दौरान मामले का खुलासा किया है। पकड़े गए सभी आरोपियों को जेल में बंद कर दिया गया है। पूछताछ लगातार जारी है और आगे भी इस तरीके के अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम न दे पाए, गौवंशों को गौवंशों की तस्करी ना कर पाए, इसको लेकर लगातार पुलिस सख्त नजर आती है। इटावा विकास भवन में आज एक दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लेकर इन्वेस्टर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर इटावा जनपद के 84 इन्वेस्ट ने इंटेट भर, जो कि बता दें कि 1187 करोड़ का है। वही मौके पर DM विधायक समेत जनपद के इन्वेस्टर मौजूद रहे हैं। इस कार्यक्रम में इटावा के DM अवनीश राय, BJP सदर विधायक सरिता भदौरिया, SDM समेत जिले के काफ़ी संख्या में उद्योग से जुड़े उद्यमी मौजूद रहे हैं। इस समिट में 84 इन्वेस्टर ने 1187 करोड़ रुपये के इंटेट भरा है, और साथ ही इस कार्यशाला में शामिल हुए उद्यमियों का कहना है कि इससे लोगों को रोजगार मिलेगा। पहले इटावा में लोगों को बदमाशी के जड़ से देखा जाता था, बदनामी के जड़ से देखा जाता था, लेकिन हम लोग यह दिखाना चाहते हैं कि यहां पर व्यापार भी हो सकता है और यहां का व्यापार अच्छे से फल फूल भी सकता है। चलिए अब खबर हमीरपुर से आपको बता दूं, जहां पर अवैध तमंचे के साथ युवती का फोटो वायरल हो रहा है। वहीं इस वायरल फोटो में अवैध तमंचे लिए हुए युवती दिखाई दे रही है। साथ ही अवैध अलसरहे के साथ ये फोटो वायरल होता हुआ पुलिस कार्रवाई पर भी साफ कई सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है। वही मामला जनपद के मधुहा कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक युवती जो है अवैध तमंचे के साथ नजर आ रही है, जो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़े करता है कि किस तरीके से एक अवैध तमंचा एक आम लोगों के पास पहुंचता है और इसको लेकर लाइसेंस कैसे मिलती है, ये काफी एक बड़ा सवाल है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। नमस्कार।